नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ एक अच्छी खबर शेयर करनी है। अब कल मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 2 लाख सीट इंक्रीज करने के लिए सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री में। तो यहाँ पर सीट इंक्रीज होने वाली है, तो इसके लिए कोई बजट तय करना पड़ता है। तो अच्छी खबर यह है कि यह बजट जो है फिक्स हो चुका है, अप्रूवल उसको मिल चुका है और मुझे इसी के बारे में इस न्यूज़ में शेयर करना है। तो ध्यान रखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि 2 लाख सीट जो है इंक्रीज होने वाली है और ये जो सीट इंक्रीज होगा वो सिर्फ MBBS के लिए ही नहीं होगा, वो सभी इंस्टीट्यूट के लिए होगा। जो टोटल जो 2 लाख सीट जो इंक्रीज हो रही है वो इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबको मिलाकर 2 लाख सीट इंक्रीज होगी। उसमें MBBS की जो सीट्स है वो 7 से 10 हज़ार जितने होंगे। अब यहाँ पर अच्छी खबर जो मुझे शेयर करना है वो फंड्स के बारे में है। सेंट्रल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री विल टुगेदर क्रिएट ओवर 2 लाख एडिशनल सीट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर टू इम्प्लीमेंट द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। द यूनियन कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव बजट ऑफ ₹4,315.15 crores टू क्रिएट द एडिशनल सीट इन 158 इंस्टीट्यूट्स अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिसर इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर सीट्स इंक्रीज होने वाली है, 2 लाख सीट्स जो है इंक्रीज होगी। उसमें जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बजट जो है वो अप्रूव कर दिया है, ये बजट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी है। ये है 4,315 करोड़ रुपया अलर्ट हुआ है सीट इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज में इंक्रीज होगा और सीट्स इंक्रीज होने पर आपको फैसिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो अच्छी बात यह है कि यह इसी साल से शुरू हो जाएगा। तो इतनी सी खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।